हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन एंड इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन के क्यूबिक वाले क्वेश्चंस, यानी जिनमें वेरिएबल की पावर 3 होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये फैक्टराइजेशन का मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने जो 2 पावर वाले फैक्टराइजेशन के जो 2 पावर वाले क्वेश्चंस थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। और इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको क्यूबिक वाले क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन के क्यूबिक वाले क्वेश्चंस में आपको इसको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जनरली इस तरह के क्वेश्चन हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी फेस होती है। तो वो ही डिफिकल्टी आज आपको यहां दूर करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि आप बीच में इस वीडियो को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको वो आधा अधूरा समझ में आएगा। और आपको पता है कि जो हाफ नॉलेज होती है वो कोई काम की नहीं होती है, वो आपको नुकसान ही करती है। और इस वीडियो में मैं बेसिक के साथ, मीन्स कंसेप्ट इज द पावर, यानी बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में, इफ एक्स प्लस वाई इक्वस टू 12 एंड एक्स वाई इक्वस टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 4 आइडेंटिटीज पे आपको मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। और ये 4 आइडेंटिटीज, राइट, तो 4 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, राइट। सो फर्स्ट आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1। स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। फटाफट क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक तरह का, मीन्स करंट पावर, एक तरह से पावर रन करनी चाहिए आपकी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट। बट आइडेंटिटी आप लर्न कीजिए। नंबर 2, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। आइडेंटिटी नंबर 3, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए यहां पे सेपरेट सेपरेट क्यूब है, यहां पर होल क्यूब है, करेक्ट। सो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy एंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ओके स्टूडेंट। एंड फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई होल क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy एंड ब्रैकेट एक्स प्लस वन, ओके स्टूडेंट। तो ये 4 आइडेंटिटीज पे आपस आप फोकस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरी ड्यूटी, करेक्ट। चलिए तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका ये फर्स्ट आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके स्टूडेंट। अब देखिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी 12, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो तो आपको डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी, बट ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वाली वैल्यू नहीं है, यहां ये भी मिल जाएगा, बट इसका क्या करेंगे फिर? तो स्टूडेंट, यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करनी है आपको इसमें, ये पार्ट तो आपको सेम रखना है, कोई चेंज नहीं है इस पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या कीजिए स्टूडेंट, की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2xy इसमें प्लस कीजिए और 2xy इसमें से माइनस कर दीजिए और ये माइनस का xy आपका सेम रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा? तो 2xy प्लस किया, 2xy माइनस किया, सो x प्लस वाई ब्रैकेट। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये पार्ट आपके पास हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो माइनस का थ्री एक्स वाई, बस हो गया आपका काम। अब सब की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ गया। चलिए पुट करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 12 ब्रैकेट 12 का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई इंटू कॉस टू 27, अरे भाई 27 एक्स वाई 27, सो 12 ब्रैकेट 144 माइनस 27 थ्री जा 81, करेक्ट। 144 में से 81 को माइनस कर दीजिए और 12 से इसको इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया, सो 12 इसमें से इसको माइनस किया, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 1 गया 6 और 63 को आपने 12 से इंटू कर दिया, सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यहां पे इसमें ये माइनस होता है और यहां भी माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस वाला होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इसको इंटू करने में तो लगता है कि 10 या 15 मिनट आपके हो जाने हैं और फिर भी शॉर्ट ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, और यही क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, विद इन 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है तो उसी प्रॉब्लम को मैं वीडियो के बीच बीच में बताता भी रहता हूं कि कहां पे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम फेस होती है। जब हम आपकी आंसर शीट चेक करते हैं तो हमें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम हमें पता लगती है वो प्रॉब्लम मैं बीच बीच में आपको क्लियर करता रहता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 59 थ्री टाइम्स, 9 थ्री टाइम्स, 59 टू टाइम्स प्लस 59 इंटू 9 एंड प्लस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट 59 हाउ मेनी टाइम्स, थ्री टाइम्स सो पावर 3, 9 थ्री टाइम्स सो पावर 3, 59 टू टाइम्स सो 59 पावर 2 प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 मीन्स 9 स्क्वायर, करेक्ट। अब स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी तो लर्न है, ए क्यू यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 3 पावर सो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करते हैं, करेक्ट। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हुआ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना भाई आइडेंटिटी में, राइट। तो ये आइडेंटिटी हो गई आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो इसी आइडेंटिटी को आप यहां पे यूज कर लीजिए, यानी कि 59 माइनस 9 ये तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, बिकॉज ये आपके एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये आपके वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर मीन्स 59 का स्क्वायर, प्लस 59 इंटू 9 ये हो गया आपका एक्स इंटू वाई, प्लस 9 का स्क्वायर ये हो गया आपका वाई का स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन 59 पावर 2, सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा, प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के साथ कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अरे भाई ये तो आ गया आंसर, बिल्कुल आंसर आ गया, 59 माइनस 9 इक्वल्स टू 50, सो आंसर इक्वल्स टू 50। थाना स्टूडेंट, मजेदार क्वेश्चन, और कितने इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं 5 डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और सब क्वेश्चंस वो हैं जो पेपर में आए होते हैं या आते रहते हैं, कई बार तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू आते हैं, यानी हर साल आते हैं, एवरी ईयर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 फैक्टराइज। स्टूडेंट यदि इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो मेथड आपका चलता आ रहा है उससे यदि सॉल्व करोगे तो आपका 1.5 पेज भर जाने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन यहां मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको हाफ पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब स्टूडेंट मैंने आपको अभी एक आइडेंटिटी यहां एक्सप्लेन की थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, याद है आपको, बिल्कुल। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए ये जो आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या रिलेशन है, आप रिलेशन चेक कीजिए। सबसे पहले ये एक्स क्यूब है तो यहां भी एक्स क्यूब है, करेक्ट, राइट। अब देखिए यहां पर है ये 3x स्क्वायर, यानी कि वाई नहीं है, वाई यहां पर नहीं है, राइट, 3x स्क्वायर तो है, राइट। फिर यहां पर ये वाई भी नहीं है तो 3x तो ये भी है, और लास्ट में वाई क्यूब है उसकी जगह 7 है, आ रहा है कुछ समझ में, बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि y की वैल्यू क्या रखी गई है, 1, बिकॉज यहां पे y नहीं है, यानी कि 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा जो है उधर, और यहां पे भी y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 3x तो वो भी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और इसमें प्लस का 1 ऐड कीजिए और माइनस का 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपकी ट्रिक है, यहां पे ये आपने ट्रिक यूज की है, प्लस 1 एंड माइनस 1, ओके, 1 ऐड किया है, 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन पे, सेम आपका क्वेश्चन वो ही रहेगा। चलिए अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो गया स्टूडेंट आपका x प्लस 1 का होल क्यूब,
और ये माइनस वन माइनस सेवन हो गया आपका माइनस एट। सो स्टूडेंट ये हो गया आपका x प्लस वन का होल क्यूब और ये हो गया टू का क्यूब, हो गया ना भाई। अब आपकी आइडेंटिटी लगने वाली है इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है। चलिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको लिखना है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो लिख दीजिए क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा आपका भी। देखिए ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ये आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का मतलब एक्स और सेकंड पार्ट का मतलब वाई, राइट। सो एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स प्लस वन माइनस टू, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट यानी कि एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वन फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई यानी फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, ओके। एंड सेकेंड पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट मीन्स टू का स्क्वायर, हो गया आपका आंसर। सॉल्व कर लीजिए। सो एक्स प्लस वन माइनस वन सो माइनस वन, माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन। ओपन कीजिए आइडेंटिटी से। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट ओपन कीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर देना भाई, टू एक्स प्लस टू एंड प्लस टू का स्क्वायर फोर। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स, फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन, ये है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बिल्कुल हाफ पेज का सॉल्यूशन है इसका। बट यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करोगे, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, वो मेथड है पहले एक्स की ऐसी वैल्यू आपको लेनी होगी जो उसको जीरो बनाएगी, फिर उसका फैक्टर निकालोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो उससे वन एंड हाफ पेज आपका भर जाने वाला था इसका, लेकिन ये क्वेश्चन आपने ट्रिक से हाफ पेज में सॉल्व किया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एक्स पावर सिक्स माइनस सेवन एक्स क्यू माइनस एट, सिक्स पावर का क्वेश्चन है यानी एक्स की पावर आ रही है सिक्स, ये कैसे सॉल्व हुआ। थ्री पावर तक तो सही था, उसमें भी क्वेश्चन काफी बड़े हो रहे थे, लेकिन यहां तो पावर सिक्स हो गई। लगता है बहुत बड़ा जाने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं जाने वाला, उतना ही आएगा जितना इससे पहले के क्वेश्चन आए थे। ट्रिक यूज करनी है आपको। देखिए क्या ट्रिक इसमें यूज करनी है, आपको क्या करना है स्टूडेंट कि इसमें x की पावर 3 है, यहां x की पावर 6 है, तो लेट x की पावर 3 इक्वल्स टू आपको सपोज करना है y। तो जब x की पावर 3 को आप y सपोज करेंगे तो इसका मतलब x की पावर 6 को आप क्या सपोज करेंगे, y स्क्वायर। भाई इसका डबल ही तो है, यानी कि कंफ्यूज नहीं हो गई, x की पावर 3 के ऊपर मैंने लगाया 2, तो यहां हो गया ये हो गया y और y पे लग गया 2, तो ये y स्क्वायर ही तो हुआ ना, कंफ्यूज नहीं होना अभी बिल्कुल भी, करेक्ट। चलिए तो यहां पे ये हो गया आपके पास y स्क्वायर, ये हो गया 7y माइनस 8। अब ये क्वेश्चन तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि मिडल टर्म आपको क्या करनी है, स्प्लिट करनी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन हो गया। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन हो गया तो सॉल्व कर देते हैं। चलिए
तो यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म हो गई स्टूडेंट इनटू करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपका आना कितना चाहिए था भाई 8, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस पर आना चाहिए था आपका 7। तो ये हुआ स्टूडेंट 8-1, और यहां हुआ कैसे हुआ 8-1, 8 में से 1 को माइनस कीजिए 7, 8 को 1 से इंटू कीजिए 8। हाँ भाई क्लियर है तो करेक्ट। चलिए तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर माइनस इसकी स्प्लिटिंग हो गई माइनस का 8, वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस 1y माइनस 8, इसमें से कॉमन लीजिए तो कॉमन हो गया आपके पास y, सो y माइनस 8, यहां से 1 कॉमन लीजिए सो y माइनस 8, अब y माइनस 8 अगेन कॉमन सो y माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, तो अब आपका नेक्स्ट हो गया y एंड प्लस 1। क्लियर? नहीं भाई ये आंसर नहीं है इसका, अभी एक स्टेप हो रहेगी, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन था वो x में था बट ये आंसर तो y में आ रहा है, तो आपको x तो रिटर्न करना ही होगा ना। तो x जो आपने सपोज किया था मीन्स y इक्वल टू x पावर 3 वो आपको यहां रिटर्न करना होगा राइट, तो रिटर्न कर दीजिए। तो y मीन्स x पावर 3 माइनस 8 और y मीन्स x पावर 3 प्लस 1, क्या आगे भी सॉल्व होगा? लग तो रहा है भाई सॉल्व होगा, बिकॉज x क्यूब और 8 को कह सकते हो आप 2 का क्यूब, अरे भाई ये तो आइडेंटिटी हो गई, x क्यूब माइनस y क्यूब वाली आती है यहां पे x क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये भी आइडेंटिटी हो गई, बिल्कुल आइडेंटिटी से लिख दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? x क्यूब माइनस 2 क्यूब, सो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कुछ नहीं क्या भाई आइडेंटिटी वाई क्यूब वाली, सो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके यहां भी आइडेंटिटी यूज होगी x क्यूब प्लस 1 क्यूब, सो वो वाली आइडेंटिटी, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर। क्लियर क्वेश्चन? क्लियर है ना भाई? ओके तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिटी चेंज होने वाली है बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी का है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइ प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तो क्यूबिक की आइडेंटिटी पर थोड़ी चेंज है आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी इक्वल होती है स्टूडेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कैसे लर्न होगी सर इतनी बड़ी आइडेंटिटी? बिल्कुल लर्न हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा आप, 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद देखिए आइडेंटिटी कितने मैजिक तरीके से आपको लर्न होती है।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको बिल्कुल भी। सिर्फ 4 या 5 इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 5 गिवन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वस टू 10 इज ऑल्सो गिवन, प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वस टू माइनस 25, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। सो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, तो यहां से ले लीजिए स्टूडेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसे आप लिख पाएंगे स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। स्टूडेंट ये मैंने केवल ये जो आइडेंटिटी है उसको लिखा है, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल आइडेंटिटी को मैंने नोट किया है, राइट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 5 गिवन है आपके पास, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कीजिए आप क्या कीजिए स्टूडेंट यहां पे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 5, अब आप क्या कीजिए कि यहां पर इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें 2ab प्लस करना है, यानी कि 2ab आपने प्लस किया तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस का चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर करता हूं। सो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें 2ab मैंने इसमें प्लस किया और 2ab इसमें से माइनस किया, करेक्ट। 2bc मैंने प्लस किया, 2bc मैंने इसमें से माइनस किया, करेक्ट। और 2ac मैंने प्लस किया और 2ac इसमें से माइनस किया, और यहां पे ये जो पार्ट था ये भी मैंने ले लिया, माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ac। तो ध्यान रखना है ट्रिक है, क्या मैंने प्लस किया है क्या मैंने इसमें से माइनस किया है, ध्यान रखना है आप, राइट। 2ab प्लस किया, 2ab माइनस किया, 2bc प्लस किया, 2bc उसमें से माइनस कर दिया, और 2ac प्लस किया और 2ac उसमें से माइनस किया, और लास्ट में जो आपका माइनस ab bc ac है वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा, सेम वैसे कैसे। अब देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ac, ये सब मिलकर आपके पास आइडेंटिटी बन गई है। किसकी आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका बन गया। कैसे बना भाई, देख ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब आपके पास रहा क्या, ab 2ab ये रहा और 1ab ये है, तो 3ab, राइट। 2bc माइनस का और माइनस का bc, तो 3bc माइनस का, और 2ac और ac, तो ये 3ac ये माइनस का, ओके फ्रेंड। और स्टार्टिंग में तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, बस स्टूडेंट इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन, राइट, ओके। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, ये 5 हो गया ब्रैकेट, यहां भी हो गया 5 का स्क्वायर, ओके। यहां से स्टूडेंट 3 कॉमन ले लीजिए,
सो थ्री कॉमन लेंगे तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास ये रही ए बी बी सी ए सी टेन। ओके, तो यहां पे आप टेन रखिए तो फाइव, थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो फाइव ये हो गया 25 माइनस थ्री और ये हो गया आपका 10। चलिए इस पर चेक कीजिए आंसर, 10 थ्री जा 30, 25 माइनस 30 सो 5 एंड ब्रैकेट माइनस 5, 10 थ्री जा 30 सो 25 माइनस 30 सो माइनस 5 और बाहर भी 5 सो 5 इंटू 5 इक्वल टू माइनस का 20। था ना स्टूडेंट मजेदार क्वेश्चन, मजेदार होने के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था स्टूडेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं जो यहां अपन यूज नहीं करेंगे। बिकॉज यहां पे क्या होता है कि जब कॉपी आपकी चेक होती है तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक आप यहां यूज नहीं करोगे। यहां तो इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहें और आपको आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे आपका कंप्लीट होता रहे। इसमें मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं सब में वो क्वेश्चंस में इंक्लूड करता हूं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए होते हैं। तो स्टूडेंट बाय।